दोस्तों पहला प्रश्न लिया गया है, पहला है 540, 280, 1680, 8400। फिर अगला है क्वेश्चन मार्क्स, यानी क्वेश्चन मार्क्स में हमें बताना है कौन सा नंबर अगला है। पहला ऑब्जेक्टिव में फाइव इस बार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 33,800, दूसरा ऑप्शन है 32,800, तीसरा ऑप्शन है 33,600, चौथा ऑप्शन है 34,400, पाँचवा है 33,200। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा आंसर सही और करेक्ट है, और ये जो पैटर्न है ये किस तरह के पैटर्न पे ये आधारित है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये कौन से पैटर्न पे आधारित है। अगला क्वेश्चन मार्क्स जो है उसको पता करते हैं कि क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले इसके पैटर्न पे आते हैं, फाइव, फाइव में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, ये ध्यान दीजिए। पैटर्न पे आते हैं, फाइव में एट का मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 होगा, होगा ना, तो ये 40 आ गया। अब हम लोग 40 को नोट करते हैं, 40 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाए तो 280 आएगा, 7, 40 में जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 280। अब 280 भी आ गया, अब 280 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1680, 6 का, 280 में मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो 1680 आएगा। अब नेक्स्ट है 1680 का में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का, जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8400। अब 8400 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स जो लगा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। 8400 में मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न बनता है 8, 7, 6, 5, 4, तो 4 का इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8400 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 33,600। तो इसमें से देखेंगे 33,600 कौन सा है, 33,600 ये तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये पैटर्न में यही 33,600 सही है, ये जो करेक्ट है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न लिया गया, अब हमें इसको देखना है कि ये किस किस पैटर्न पर आधारित है। इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करके और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिया गया, फाइव के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 15, फिर क्वेश्चन मार्क्स दिया गया, फिर इसके बाद 275 आ रहा है, फिर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके जगह जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आंसर, इसमें से कौन करेक्ट है इसे हमें पहचानना है। फाइव, अब देखते हैं पैटर्न किस पैटर्न पर आधारित है। पैटर्न है लेते हैं पहला फाइव, फाइव का अगर मल्टीप्लाई 1 में करें तो 5 ही होगा, इसमें से 1 माइनस कर दें तो कितना होगा, 5 1, जब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ऐसे ही 4 बचा, 4 का मल्टीप्लाई किस पर करेंगे, 2 में, ये हो जाएगा 4 2 8, में से 2 घटाइए, 4 2 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो ये 5 आ गया, फिर 4 आया, फिर 6 हो गया, देख रहे हैं ना, और फिर 6 लेते हैं, 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और 3 माइनस कर देंगे, 6 3 18, में 3 जाए 15, आया ना करेक्ट, 15 आ गया। अब हम 15 का मल्टीप्लाई किस पर करेंगे, 4 का, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 माइनस कर देंगे, तो 15 4 जा 60, 60 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से जब 4 घटाएंगे तो 56 आएगा। अब 56 में से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 का, इसमें से कितना करेंगे, 5, यही पैटर्न आ रहा है ना, तो 56 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा, और 280 में से जब 5 घटाएंगे तो ये आएगा 275, ये आया आंसर। तो इससे ये क्लियर होता है ये पैटर्न जो है ये सही है, तो आंसर किस में, ये 15 के बाद क्या आना चाहिए था, 50
सिक्स, जो ये 56 है, एक आपके ऑप्शन में 5 वाले में, ये करेक्ट है, ये आपका आंसर आएगा 56। ये आपको मैंने आज के टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बताया, जो पैटर्न पे आधारित है। किस पैटर्न पे आधारित है? इस तरीके से आप बेहतर से लगा सकते।